हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिटजी बिग बैंग इज टेस्ट 2023 का सैंपल पेपर। तो दोस्तों, जो ये सैंपल पेपर है वो है फॉर क्लास 10th, वैसे स्टूडेंट जो कि अभी आप लोग क्लास 10th में होंगे एंड बहुत जल्द आप लोग जाइएगा क्लास 11th में। तो आप लोग के लिए जो दोस्तों सैंपल पेपर है वो है पेपर वन। टोटल दो पेपर होता है, पेपर वन एंड पेपर टू। तो अभी फिलहाल ये वीडियो पेपर वन के लिए है एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों वो पेपर टू, हम लोग वहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो पेपर टू का भी जैसे ही वीडियो आएगा जो दोस्तों, मतलब नेक्स्ट वीडियो पेपर टू पर ही होने वाला है हमारा। तो पेपर टू पर जैसे वीडियो आएगा वैसे ही मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, सो डैट अगर आप लोग इस वीडियो को बाद में कभी भी देखते हो तो आप लोग डायरेक्ट जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पेपर टू देख सकते हो। एंड अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 10th गोइंग टू क्लास 11th पेपर वन का। तो टाइमिंग का बात करें यहाँ पर तो 3 आवर है, मैक्सिमम मार्क्स का बात करें तो 243 है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सैंपल पेपर का डिजाइनिंग का, तो टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं, यानी कि जो आप लोग का ओरिजिनल टेस्ट होगा बिग बैंग इज टेस्ट 2023, तो उसमें भी दोस्तों सेम पैटर्न होगा और सेम डिफिकल्टी लेवल होगा। और इस ख्याल से आप लोग के लिए जो ये सैंपल पेपर है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज जो डिवाइड किया गया इसके बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो आप लोग यहाँ पर सबसे प्लस बेनिफिट यही है। और सेक्शन वन का बात करें तो यहाँ पर टोटल 30 रीजनिंग का क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग से। सेकेंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन में बात करें यहाँ पर तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, यानी कि आप लोग गौर किए होंगे कि यहाँ पर बायो के लिए जगह नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो फिटजी है वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग बैच करवाता है यानी कि नॉन मेडिकल वाला है, एंड इसलिए यहाँ पर आप लोग बायो नहीं देख रहे होंगे। तो यहाँ पर सेक्शन वाइज तो हम लोग डिस्कशन कर लिए, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स सही होता है यानी कि अगर आप लोग का सही बबल करते हो तो कितना मार्क्स मिलेगा फॉर करेक्ट आंसर आप लोग यहां पर दोस्तों देख सकते हो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बात करें तो 93 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। एंड यहां से हमारा फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट है जिसका रिकमेंडेड टाइमिंग 60 मिनट्स रखा गया है। बात करें यहां पर सेक्शन वन का तो टोटल 30 MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं रीजनिंग से। तो आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, और दोस्तों मेरा यही टारगेट रहेगा कि आप लोग को हर एक क्वेश्चन पर सफिशियंट टाइमिंग प्रोवाइड करूँ, सो डैट आप लोग यहाँ पर कम से कम एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले सको। और इसको अगर स्क्रीनशॉट आप लोग लेते हैं तो इसको प्लीज़ घर पर बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आपका इससे। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर की भी प्रोवाइड करूँगा, सो डैट अगर कोई बच्चा बनाता है तो अपना आंसर की मैच कर सके अपने ऑफिशियल आंसर की से। और ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। देन नेक्स्ट पेज पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10, 11 और ये रहा 12। देन क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया फॉर क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18, 19, 20, 21, 22 एंड इसके बाद अगेन डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23 टू 27 एंड इसके जस्ट डायरेक्शन के नीचे क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 और नेक्स्ट पेज पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, 27 एंड अगेन फॉर डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 और इसी के साथ फाइनली जो हमारा फर्स्ट सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब बात आता है हमारा सेकेंड सेक्शन का जिसका रिकमेंडेड टाइमिंग 60 मिनट्स यानी कि मतलब 1 आवर है। एंड यहाँ पर पार्ट ए का बात करें तो फिजिक्स है, टोटल 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट ए फिजिक्स है। तो आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34 एंड 35 36, 37, 38, 39 ये रहा 40, 41, 42 एंड 43
नेक्स्ट पेज पर दोस्तों पार्ट बी केमिस्ट्री, टोटल 12 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पार्ट बी केमिस्ट्री से। तो आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45, 46, 47 एंड ये रहा 48, 49। तो आई होप दोस्तों आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अगले पेज पर हम लोग मूव करते हैं पार्ट सी मैथमेटिक्स। एंड यहाँ पर टोटल 12 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मैथमेटिक्स पार्ट सी से। तो क्वेश्चन नंबर 55, 56, 57, 58, 59, ये रहा 60 एंड 61, 62, 63, 64, 65 एंड 66। देन हमारे यहाँ पर थर्ड सेक्शन स्टार्ट है जिसका रिकमेंडेड टाइमिंग 60 मिनट्स है। और दोस्तों ये हमारा लास्ट सेक्शन है इस पेपर वन का। तो पार्ट ए का बात करें यहाँ पर तो फिजिक्स है, टोटल 9 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। तो आप लोग के स्क्रीन पर 67, 68 ये हो गया, 69 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड यहाँ पर पार्ट बी है दोस्तों केमिस्ट्री। एंड यहाँ भी टोटल 9 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पार्ट बी केमिस्ट्री से। तो क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 84 तक टोटल 9 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 82 तक आप लोग को विजुअल होगा एंड इसके बाद 83 एंड लास्ट वन 84। तो पार्ट सी का बात करें दोस्तों, हमारा लास्ट सेक्शन का लास्ट पार्ट, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स है एंड यहाँ पर 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस मैथमेटिक्स है। तो 85, 86, 87, 88, 89 90, 91, 92 एंड 93। और अगले पेज पर दोस्तों यहाँ पर अगले पेज पर दोस्तों देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर आंसर की फॉर क्लास 10 गोइंग टू क्लास 11th फिटजी बिग बैंग इज टेस्ट 2023 फॉर क्लास 10th गोइंग टू क्लास 11th पेपर वन दोस्तों। एंड यहाँ पर सैंपल पेपर वन का आंसर की आप लोग को विजिबल होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन से लेकर 53 तक का आंसर की आप लोग के स्क्रीन पर, और इसके बाद 53 से लेकर 93 तक का आंसर की आप लोग के स्क्रीन पर। तो फाइनली इसी के साथ जो हमारा क्लास 10th का सैंपल पेपर वन था वो कंप्लीट हो गया है। और अगेन मैं बोलना चाहूँगा वैसे स्टूडेंट जो कि अभी क्लास 10th में होंगे एंड बहुत जल्द जाइएगा आप लोग क्लास 11th में, मैं दोस्तों ये बार बार वर्ड्स बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ सो डेट आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। और पेपर टू का वीडियो बहुत जल्द आएगा और जैसे ही आएगा दोस्तों मैं इस वीडियो को मतलब उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा दोस्तों वही पेपर टू पर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।